हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की शिक्षा विभाग की आज की न्यू अपडेट के बारे में। साथ ही आपको जो है जॉब के रिगार्डिंग लेटेस्ट न्यू अपडेट के देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रदेश के स्कूलों को लेकर। तो स्कूलों की हालत काफ़ी ख़राब है। तो प्रदेश में देखते हैं कि 1565 स्कूल जो है जर्ज हालत में है और ख़तरे में जो है हज़ारों छात्रों की जान। तो यहाँ पर देखते हैं स्कूलों की जो हालत है, कहीं पर टीचर नहीं, कहीं पर बिल्डिंग नहीं, कहीं मैदान नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं कि लगभग जो है 1565 जो यहाँ पर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिसमें जर्ज हो चुके हैं और जान पर बनी हुई है बच्चों की। अब बताया गया कि चंपावत के यहाँ पर जो है एक स्कूल में जो है छात्र की मौत के बाद जो है विभाग के जो है सर्वे में हुआ, यहाँ पर खुलासा तो सर्वे किया गया है, जिसमें आज 1500 से ज़्यादा जो है स्कूल ऐसे हैं जो जर्ज हालत में है, ऐसा बताया गया है। और वहीं यहाँ पर पौड़ी ज़िले में के संबंध में बताया गया कि 200 से यहाँ पर अधिक जो है सरकारी प्राथमिक विद्यालय में और यहाँ पर 100 से ज़्यादा जो माध्यमिक स्कूल है वो क्षतिग्रस्त हैं। और वहीं टिहरी में भी यहाँ पर 108 से ज़्यादा है, पिथौरागढ़ में लगभग आप बराबर जो है यहाँ पर बताया गया कि जर्ज हालत में है। इसी तरह हम बताया गया कि अगले 2 साल के भीतर जो है स्कूल का कायाकल्प ढंग से ना हो, तो स्कूल में जो है कायाकल्प करने की बात कही है अगले 2 साल में। शिक्षा मंत्री ने कहा गया है कि यहाँ पर 250 स्कूलों को यहाँ पर समग्र शिक्षा से यहाँ जो ठीक किया जाएगा। और जिला विकास योजना की जो है बताया गया कि 65 से लेकर 70 करोड़ और यहाँ पर 15वें वित्त आयोग और यहाँ पर आपदा प्रबंधक और नाबार्ड से यहाँ पर जो है स्कूलों को जो है ठीक कराया जाएगा, ऐसा भी कहा गया है। और जर्ज हालत में कहाँ कहाँ पर जो है कितने कितने स्कूल हैं वो आप लिस्ट देख सकते हैं, प्राथमिक में और माध्यमिक में कितने स्कूलों की हालत किस तरह का है जिलेवार आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और वहीं बात करें यहाँ पर हाकम सिंह के पेपर लीक को लेकर, यहाँ पर जो आपका मामला हुआ था उस पर जो है यहाँ पर अब हाकम सिंह की जो अवैध दो रिजॉर्ट थे उस पर बुलडोजर चला दिया गया है। और ग्रामीण की जो है प्रशंसा की टीम के साथ हुई, यहाँ प्रशासन के साथ यहाँ पर जो हुई तीखी नोकझोंक। और बताया गया कि ध्वस्तीकरण से पहले यहाँ पर जो है रिजॉर्ट से यहाँ पर निकाली कीमती लकड़ी, तो रिजॉर्ट सारी कीमती जो लकड़ी थी वो निकाल दी गई हैं और दो रिजॉर्ट पर जो है प्रशासन ने यहाँ पर जो मंगलवार को ध्वस्त कर दिया गया है। और इस संबंध में बताया गया कि 26 सितंबर को यहाँ पर बेदखली का जो नोटिस दिया गया था और इसका पालन नहीं किया हुआ, उसके बाद से मंगलवार को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गया और जो भी खर्चा होगा वो संबंधित जो पक्ष होगा उससे वसूला जाएगा, ऐसा बताया गया है। और दो हकम सिंह का रिजॉर्ट था वो यहाँ पर दो ध्वस्त कर दिए गए हैं। यूके त्रिपुरसी पेपर लीक में काफ़ी बड़ा हाथ यहाँ माना जा रहा था यूके त्रिपुरसी भर्ती में। और वहीं बात करें यहाँ पर रद्द हो सकती हैं DCB की में की गई 423 भर्तियाँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 जिलों में भर्तियों जो है हुई गड़बड़ी की जो है जांच रिपोर्ट समिति ने जो है शासन को सौंप दी है। तो फाइनल रिपोर्ट आ चुकी है आपकी, जो चतुर्थ कर्मचारियों की भर्ती थी आपके जिला सहकारी बैंक में, अब यहाँ पर दोबारा से यहाँ पर जो है 423 पद एक्चुअली में ज़्यादा, इससे ज़्यादा पद हैं उन पर जो है भर्ती हो सकती है। बताया गया कि भर्तियाँ जो है निरस्त हो सकती हैं अब और इस पर जो है दोबारा से आपका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। और इस संबंध में जो है गठित जाँच समिति ने जो है अपनी रिपोर्ट जो है शासन को सौंप दी गई है। और इसमें अगर बात करें रिपोर्ट को लेकर तो 2817 पदों की जो है रिपोर्ट जाँच समिति को दी है। तो यहाँ पर देखते हैं रिपोर्ट जो सौंपी गई है 2800 पदों से ज़्यादा यहाँ पर समिति को सौंपी गई है और इन पर गिर सकती है गाज। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अधिकारियों पर जो है गिर सकती है गाज। बताया गया कि यहाँ पर जो है सूत्रों के अनुसार जो है चयन समिति में शामिल जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष, महाप्रबंधक और यहाँ पर सहायक निबंधक सहकारिता को जो है भूमि का जो है संदिग्ध पाई गई है, तो इन पर जो है यहाँ पर अब गाज गिर सकती है। और वहीं यहाँ पर शारीरिक परीक्षा में भी यहाँ पर की गई कूट रचना, तो यहाँ पर जो आपके फिजिकल था उस पर भी यहाँ पर जो है गलत तरीके से यहाँ पर जो है अपनाए गए थे मानक बताया गया है। और चयन प्रक्रिया में जो है आरक्षण का जो है नहीं रखा गया, तो यहाँ पर देख सकते चयन प्रक्रिया में आरक्षण बिल्कुल भी नहीं रखा गया, एकदम गलत तरीके से भर्तियाँ हो रखी हैं। अब यहाँ पर जो है बड़ा फैसला मंत्री ले सकते हैं इस पर। और वहीं बात करें यहाँ पर कथाकार शेखर जोशी नहीं रहे, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रख्यात कथाकार जो कि उत्तराखंड के मूल निवासी थे अल्मोड़ा जनपद के, तो वो अब नहीं रहे हैं, लगभग जो है 90 साल में इनका निधन हो चुका है। और ये हिंदी अंग्रेजी में कई जो है कहानियाँ लिख चुके हैं और पहाड़ पर भी कई चीज़ें लिख चुके हैं। और भौतिक का जो है नोबेल पुरस्कार जो है इन साल जो है आपको यहाँ पर क्वांटम विज्ञान में 3 वैज्ञानिकों को यहाँ पर सम्मानित किया गया, जिसमें आपका एलन है, जॉन है और यहाँ पर एंटन है। तो इन तीनों को यहाँ पर जो है इस साल का जो है भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। और वहीं बात करें यहाँ पर छेड़खानी का जो है आरोपी शिक्षक निलंबित, तो यहाँ पर जो है जखोली ब्लॉक के दूरस्थ राजकीय जूनियर हाई स्कूल में जो है तैनात सहायक अध्यापक को जो है शराब पीकर जो है स्कूल जाने और यहाँ पर छात्राओं से छेड़छाड़ करने का जो आरोप है यहाँ पर निलंबित कर दिया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर कार्रवाई, भर्ती घपले के आरोपी हकम के रिजॉर्ट पर जो है चला बुलडोजर, तो यहाँ पर देख सकते हैं 2-3-4 बुलडोजर यहाँ पर चले गए थे और कल पूरा ध्वस्त कर दिया गया इनके रिजॉर्ट को। और वहीं बात करें यहाँ पर संविदा कर्मी पक्के करने को कार्मिक से मांगी राय, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अपर मुख्य सचिव की जो है अध्यक्षता में आयोजित बैठक में हुआ निर्णय। और यहाँ पर 25,000 के करीब जो उपनल और संविदा जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनको पक्का करने की बात चली हुई है और इस पर यहाँ पर जो है इस पर सहमति बनेगी तो यहाँ पर आगे मांग उठ सकती है। और वहीं बात करें यहाँ पर
बीपीडीओ भर्ती घपले में जो है अफसरों पर लटकी तलवार। तो यहाँ पर देखते हैं कि बेरोजगारी के साथ काफ़ी बड़ा धोखा हो रखा है और कहा गया कि बीपीडीओ भर्ती 2016 में हुई गड़बड़ी, जल्दी जो है कुछ अफसरों की जो है कार्रवाई हो सकती है और एसटीएफ की जो है जांच में जो है इनके खिलाफ़ जो है कुछ सबूत सामने आ रखे हैं ऐसा बताया गया है। और वहीं यहाँ पर बताया गया है कि जनवरी 2020 में से चल रही जांच विजिलेंस को जो है सबूत जुटाए लिए थे और इस पर जो है विजिलेंस को कार्रवाई के लिए यहाँ तमाम तरह की जो है अनुमति और सहमति लेनी थी और इसी वजह से यहाँ जो है जाँच विलंब हो रखा था। और लेकिन अब जो है एसटीएफ सीधे कार्रवाई करने की सक्षम है इस तरह बताया गया है। तो अब यहाँ पर 2016 भर्ती में जो है आपके बीपीडीओ भर्ती में यहाँ पर कई अफसर पकड़े जा सकते हैं और बताया गया कि यहाँ पर दो आरोपी जो है गिरफ्तार हो चुके हैं अब तक 2016 भर्ती प्रकरण में और यहाँ पर आगे भी और यहाँ पर हो सकते हैं ऐसा बताया गया है। और वहीं बात करें अगर भारत से अब जो जूनियर डॉक्टरों की जो है भर्ती करेगा सिंगापुर, तो यहाँ पर जो है हर साल जो है 400 चिकित्सकों की यहाँ पर होती है भर्ती। तो यहाँ पर बताया गया कि हर साल जो है 400 चिकित्सकों की भर्ती होती है, तो इस साल भी जो है 400 चिकित्सकों की भर्ती यहाँ पर की जाएगी जो कि यहाँ पर सिंगापुर में होंगी। और वहीं बात करें यहाँ पर सहकारी बैंक भर्ती घोटाले में जो है बोर्ड और यहाँ पर अधिकारियों की जो है गिरेगी का, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सहकारी भर्ती घोटाले में जो कि यहाँ पर 400 से ज़्यादा पोस्ट थे इस पर जो है वह अधिकारियों को जो है गाज गिर सकती है। और बताया गया कि जांच रिपोर्ट का विस्तृत जो अध्ययन किया जा रहा है और उसके सभी पहलू जो है वह परीक्षण होंगे, उसके बाद जो है इसका जो निर्णय हो लिया जाएगा और जल्द जो है रिपोर्ट पर जो है वह फैसला लिया जाएगा और किसी भी तरह की जो है गड़बड़ी के लिए जो है दोषी पाए जाने पर जो है यहाँ पर कार्रवाई तय है ऐसा बताया गया है। जो कि यहाँ पर अभी जो पुरुषोत्तम हैं उनके द्वारा कहा गया है जो कि सचिव है सहकारिता विभाग के अंतर्गत। और इसमें जो है आपके इंटरव्यू को लेकर आपका फिजिकल को लेकर काफ़ी बड़ी मात्रा में गड़बड़ी पाई गई है। और वहीं यहाँ पर कथाकार शेखर जोशी यहाँ पर नहीं रहे हैं और शब्द सम्मान के लिए तहत जो है आकाशदीप के लिए चयनित किया गया था इनको हाल ही में। और वहीं यहाँ पर नियमित पर जो है कार्रवाई नहीं तो दरोगा भर्ती की जाँच क्यों, तो यहाँ पर जो है कांग्रेस के विधायक और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि विधायक में जो है बैकडोर भर्ती में जो है कार्रवाई को लेकर जो है विधानसभा अध्यक्ष ने दोहरा जो है मापदंड अपनाया है। प्रीतम ने कहा कि यहाँ पर जो है नियमित होने का ये मतलब नहीं है कि बैकडोर वालों को जो है कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है और यहाँ पर ऐसा ही है। तो यहाँ पर सरकार जो है वर्ष 2015 में जो है दरोगा भर्ती की विजिलेंस जांच क्यों कर रही है ऐसा यहाँ पर आरोप लगाया गया है। और 20 में जो है 2016 से लेकर पहले वाली जो बैकडोर भर्ती है बचाने का यहाँ प्रयास हो रहा है ऐसा प्रीतम ने यहाँ पर आरोप लगाया गया है। और कहा गया कि यहाँ जो है जो नियमित भर्ती कार्रवाई हो रही है उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो दरोगा भर्ती पर क्यों कार्रवाई हो रही है इस तरह का यहाँ पर अपना जहाँ पर आरोप लगाया है सरकार पर। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड की जॉब अलर्ट को लेकर, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉलेज में जो है हॉर्टिकल्चर पढ़ू पर आपकी पोस्ट निकाली गई है और अन्य पोस्ट जिसमें आपका हॉर्टिकल्चर वेजिटेबल साइंस का एक पोस्ट है, ऐसे यहाँ पर जो है फ्लोरिकल्चर का एक पोस्ट है, ऐसे प्लांट ब्रीडिंग का एक पोस्ट है, ऐसे यहाँ पर जो है क्रॉप का यहाँ पर एक पोस्ट है, ऐसे यहाँ पर मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट का एक पोस्ट है। इसके लिए यहाँ पर आपको जो MSc के कैंडिडेट होंगे उसके 24,000 मिलेगा और जो PhD होंगे 25,000 रुपये सैलरी मिलेगी। ईमेल आपको यहाँ पर 6 अक्टूबर तक करना है, इसकी ऑफिशियल साइट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और दूसरी पोस्ट आपको निकल के आ रखी है कॉलेज और फॉरेस्ट भी यहाँ पर निकल के आ रखी है, इसके लिए आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं इन पदों के लिए जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इतने इतने पद हैं, 5 पोस्ट रखे गए हैं, इसमें भी MSc और PhD वाले कर सकते हैं। MSc के लिए आपकी 24,000 रुपये पर मंथ मिलेगा और PhD वालों के लिए 25,000 पर मंथ मिलेगा। वेबसाइट यहाँ पर जारी किया गया है, ईमेल ID, इस ईमेल ID में 10 अक्टूबर तक जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इन पदों के लिए। और वहीं बात करें आज के जॉब अलर्ट को लेकर, तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में 84 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, इसके लिए यहाँ पर जो है आप आवेदन कर सकते हैं 10 अक्टूबर तक। और वहीं यहाँ पर CSIR यहाँ पर पोस्ट निकाली 19 पदों पर इंटरव्यू के द्वारा होगा, अस्थायी तौर पर रहेगा, वेबसाइट यहाँ पर जारी किया गया है। BEL में पोस्ट निकाली गई 141 पदों के लिए, इन पर आवेदन कर सकते हैं और इसमें आवेदन करने की जो तिथि रखी गई है वो आपके 14 अक्टूबर रखी गई है। और यहाँ पर देख सकते हैं इन पदों पर भी पोस्ट निकाली गई, इन पर भी आवेदन कर सकते हैं जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं।